जीतन राम मांझी ने एक बयान दिया है, मंच से संबोधित करते हुए उन्होंने सत्यनारायण कथा पर टिप्पणी की है, अब सब प्रयोग किया और ब्राह्मणों को हरामी बताया। देखिए, हमको याद आता है जब गांधी जी से कुछ लोगों ने बताया कि अम्बेडकर साहब जो है बहुत गाली देते हैं, बहुत कटु आलोचना करते हैं, तो गांधी जी ने जवाब दिया था कि जो व्यवहार हम लोगों ने उनके साथ किया है या उनके लोगों के साथ किया है, वो इसके एवज में हमारा सर क्यों नहीं तोड़ देते हैं, यही बहुत है। तो हमको लगता है कि जीतन राम मांझी के बयान को उसी दृष्टिकोण से जो है देखना चाहिए। और हमने सुना आपकी के ये पर, जिसमें उन्होंने कहा है कि सत्यनारायण कथा जो है वो उसका प्रचलन हो गया है और ब्राह्मण जो है दक्षिणा के लिए इसे प्रचलन कर रहे हैं। हमको याद आ रहा है अभी साल दो साल पहले वहाँ माझी समुदाय के कुछ लोगों ने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया था, तो वहाँ के जो एमपी थे भारतीय जनता पार्टी के, वो वहाँ उन लोगों से मिलने के लिए गए ताकि वो फिर से वापस आ जाए। वहाँ एक महिला का बयान हमने सुना था, उस महिला ने ये कहा था कि हिंदू धर्म जो है बहुत खर्चीला है। तो आप देखिएगा, वाकई जो है विचार कीजिए तो इतना खर्चीला हमारे यहाँ बना हुआ है, श्राद्ध ब्याह तो सत्यनारायण भगवान तो फलाना पूजा, दुर्गा पूजा तो दिवाली पूजा, तो ये गरीब लोग के लिए बहुत ही आफत होता है। और जो गरीबी में रहने वाले लोग हैं वो देखते हैं हम लोगों के, हम लोग जिस वर्ग से आते हैं उस वर्ग के बच्चों को देखते हैं दिवाली खेलते हुए, होली खेलते हुए, उनके मन में एक कसक होता है कि भाई माने ये लोग इस तरह से माने उसका आनंद ले रहे हैं और देखिए हम लोग जो है अभाव में किस तरह से जी रहे हैं। एक है, इसके अलावे भी आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में तो कई घटनाएँ आ रही हैं भाई। गुजरात में आपने देखा कि एक दलित समाज का लड़का जो है मोच रखे हुए था और घोड़े पर सवार था, इसलिए उसकी हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश से आए दिन इस तरह की खबर जो है मिलती रहती है। माने मोच जो है अभी हाल में हमको याद है कि दो तीन महीना पहले उत्तर प्रदेश में एक घटना हुई कि एक दलित नौजवान जो है मोच रखे हुए था, उसको पकड़ के ले जाके उसका मोच जो है छिलवा दिया गया। ये घटनाएँ हो रही हैं, इसके रिएक्शन में माने इस तरह की घटनाओं के प्रतिक्रिया में अगर उनके मन में जलन है, गुस्सा है जीतन राम मांझी का, तो इसके बारे में हम लोगों को इग्नोर करना चाहिए और इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्यों बात लोग कर रहे हैं। उसी तरह से जीतन राम मांझी जी से भी हम कहना चाहेंगे, वो सीनियर आदमी हैं, उनको भी कम से कम मैंने इस प्रकरण की आलोचना जो उन्होंने की, इसको थोड़ा सा और संयमित भाषा में कर सकते थे। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहाँ, काम होगा सिर्फ यहाँ। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान, सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 982170796।